दोस्तों, हमने एक ना एक बार मूवी या फिल्मों में देखा ही होगा कि ट्रेन पानी के नीचे चल रहे हैं। पर दोस्तों, कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शुरू कर दिया एक अंडर वाटर रेल, जो शुरू होता है कोलकाता में स्थित फूल बगान से और ख़त्म होता है हावड़ा मैदान में। और ये टनल 10.8 किलोमीटर लंबा है और ये टनल 5.5 मीटर चौड़ा है। दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंजीनियर के लिए बहुत सारे मुश्किल खड़ी हो रहे थे, पानी के अंदर टनल कैसे बनाए। दोस्तों, इस काम में खर्चा तो बहुत था, पर कई सारे मुल्कों के काबिल इंजीनियर्स ने इस काम को अंजाम दिया था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस चैलेंजिंग और रिस्की काम को इंजीनियर्स ने कैसे किया था। कोलकाता और हावड़ा, इन दोनों महानगर के बीच सेत नदी का फासला है और इन दोनों महानगर को एक ब्रिज जोड़ती है, जिसे हम हावड़ा ब्रिज या रविंद्र सेतु के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हुगली नदी के 30 मीटर नीचे सीमेंट और कंक्रीट का टनल बनाया गया, जहाँ हिंदुस्तान की पहली पानी के अंदर ट्रेन चलने वाली थी। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बाद दुनिया को हिंदुस्तान का ताकत का नज़र लग गया होगा। सन 1984 में, जिस समय भारत में मोबाइल और टीवी उतना प्रचलित नहीं था, और उस समय हिंदुस्तान में पहली बार कोलकाता में ट्रेन चलाया गया था। दोस्तों, पानी के अंदर टनल बनाने का सबसे बड़ा खतरा ये था कि कहीं ऊपर से पानी अंदर ना आ जाए, तो इसके लिए कई सारी प्लानिंग करनी पड़ी। और आखिरी में ये डिसाइड हुआ है कि टनल 520 मीटर लंबा रहेगा और हर 250 मीटर की दूरी पर एक कॉरिडोर रहेगा, जिससे हम दूसरे टनल में जा सकेंगे। दोस्तों, 14 अप्रैल 2017 को ये टनल बनाना शुरू किया गया था हावड़ा ब्रिज की तरफ से। दोस्तों, इसके कुछ दिन बाद दूसरे तरफ से भी मिट्टी खोदना शुरू कर दी गई और टनल बनाना शुरू कर दिया गया। दोस्तों, टनल बनाने के लिए खास तरह की मशीनें लगाई गई थी और लेबर्स का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता था। उनका हेल्थ चेकअप हर दिन कराया जाता था जब वो काम पाते थे, और उन्हें सोने में भी छूट दिया जाता था। और टनल के अंदर ऑक्सीजन लेवल 20 से कम नहीं होता, वहाँ पे बहुत सारे एयर वेंटिलेशन लगे थे और उसका अंदर का टेम्परेचर 27 डिग्री लगा रहता था। और वहाँ पे हमेशा 100 से ज़्यादा कर्मचारी मौजूद रहते, और वहाँ पे स्पेशल डॉक्टर की टीम भी मौजूद रहती और एम्बुलेंस भी मौजूद रहती कि ट्रीटमेंट में कोई डिले ना हो। और दोस्तों, इस टनल को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल पंपिंग मशीन का यूज़ किया गया था और ऊपर से पानी अंदर ना आए इसीलिए गैस किट का भी इस्तेमाल किया गया था। और ये टनल अर्थ को एक प्रूफ है कि कोई यात्री को तकलीफ ना हो। दोस्तों, अब तो ये टनल बनकर तैयार है, पर अभी इसके अंदर ट्रेन नहीं चल सकता क्योंकि अभी इसकी कई सारी जाँच और टेस्टिंग बाकी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो जरा से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।